नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके लिए एक बहुत खास सवाल लेकर आया हूं। और ये सवाल जो है एसएससी ने सीएचएसएल में पूछा 2020 में, और उम्मीद ये है कि भैया आगे भी इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। एसएससी का कुछ नहीं पता कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के वो आपके सामने रख सकती है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही है, पर ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि एसएससी में इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि पसीने ही छूट जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा भी होगा, देखते हैं इसके अंदर क्या बेस्ट हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, वो बोल रहा है एक ही जगह अगर मैं सात रखता हूं तो बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं करने की कोशिश करूंगा इसे, और आपको ये भी बताऊंगा कि इसे आसानी से आप कैसे कर सकते थे। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि आसानी से हो भी पाए, आइए देख लेते हैं। ठीक है, देखो बड़ी बड़ी पावर है, इस तरीके से बच्चे को देखने की आदत नहीं है। बड़ी बड़ी का मतलब है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पावर फ्रैक्शन में है। ठीक है, इस तरीके से देखने की हमें आदत नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, देखिए इतनी आसानी से चीज दिखने वाली नहीं है। आप डिनोमिनेटर में देखिए पावर की क्या आ रहा है, 3, 2, 3, 6, 3, 6, 2, 2, यानी डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, तो यानी a की पावर 1/6 को मैं x मान लूंगा। मैंने ये भी बताया आपको कि भैया कैसे हमने इस कंक्लूजन पे पहुंचे, नीचे नीचे जो नंबर आ रहे हैं उनका एलसीएम लिया तो a की पावर 1/6 x के बराबर हो गई, और मैं बोल सकता हूँ a बराबर हो गया x की पावर 6 के। ठीक है जी, अब तो क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो आइए देख लेते हैं क्या बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, x की पावर 6 अगर मैं यहाँ रखता हूँ, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, x की पावर 4 आ जाएगा, 1/2 यानी 3 आ जाएगा, 2x3, 1/3 यानी 2 आ जाएगा, 1/6 यानी x आ जाएगा +1। तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पहली बात। तो अगले को देख लेते हैं, 1/3 यानी x² -2x +1, 1/2 हो गया यानी x की पावर 3 गुणा x की पावर 3 -2। ठीक है जी, तो वो जो क्वेश्चन था आपका इस तरीके से, वो इस तरीके से देखने में फिर भी ठीक लग रहा होगा, पर पता अब भी नहीं है कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझना, जो मेरे को समझ आ रही है बात। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, एक को इन तीनों से, इसको इन दोनों से, तो बड़ा ही पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो ये कितना आ गया, x6 - 2x5 + x4। ऐसे ही अगला देखते हैं, 2x5 - 2x4, ये तो बहुत बड़ा पड़ेगा यार। अगर देखिए मैं ऐसा करता रहा तो ये बड़ा ही बड़ा होता रहेगा, +2x³। ऐसे फिर मैं अगला देखता हूँ, +3x4 - 6x³ + 3x² + 2x³ - 4x² + 2x + x² - 2x + 1, और ऐसे आगे वाला देखता हूँ तो +x6 - 2x³ + 2x³। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किससे क्या कट रहा है, उसे हम काट देते हैं, -x6 - -x6 + 2x³। ठीक है, +x6 से -x6 कट गया, +2x5 से 2x5 कट गया। ठीक है, और क्या नजर आ रहा है हमें, आइए देख लेते हैं, 6x³ - x² - x4 अगर देखूं मैं तो x4 - 2x4 + 3x4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 1 और 1 = 2x4। फिर ऐसे आगे देखता हूँ, x³ की बात करूं अगर, 2 × 2 = 4, 4 में से 6 गया, -2x³। ठीक है, तो ये -2 + 2 ये तो कट ही गया। ठीक है, ये भी कट गया,
अब और आगे बढ़ता हूं स्क्वायर में, तो माइनस चार प्लस एक माइनस तीन एक्स स्क्वायर, टू एक्स से टू एक्स कट गया प्लस वन, तो भैया इतनी आगे तक जा रहा है ये, ऐसा लग रहा है मेरे को। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ गड़बड़ हो गई हो। चलिए हमें ये तो करना नहीं है वैसे, ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पेपर में तो नहीं कर सकते, बढ़िया है कि छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो यानी लीव कर दो। पर कभी कभार क्या होता है कि सेम ही डाटा के साथ क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाता है एग्जाम के अंदर, तो मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा, आप ध्यान रखिएगा, दोबारा से अगर सेम मिले तो भैया सही हो जाएगा, अन्यथा और क्या कर सकते हैं, ये मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। देखिए x की पावर 6 a के बराबर है और वही 7 के बराबर है, ठीक है, ध्यान से देखना पहली बात, ठीक है, x की पावर 6 a के बराबर है और वही 7 के बराबर है। x की पावर 6 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, कट जाएगा, तो भैया 7 तो आंसर से गया, x की पावर 6 तो मुझे नहीं मिलने वाली यहाँ पर, आगे देखता हूँ, ठीक है। अब मैं x क्यूब की बात करता हूँ अगर, तो 2x क्यूब 4x क्यूब और माइनस 4x क्यूब और 2 6x क्यूब और माइनस 6x क्यूब, तो x क्यूब भी गया, तो भैया x6 नहीं मिलने वाला आपको, x क्यूब नहीं मिलने वाला, x6 मिलता तो 7 आंसर आता, x क्यूब मिलता तो रूट 7 आंसर आता, तो 7 और रूट 7 तो वैसे ही कट गए, ये आंसर में संभव नहीं है। क्या आंसर में 0 संभव है? ठीक है, नंबर देखता हूं अगर मैं, नंबर क्या मिल रहा है मेरे को, केवल 1 मिल रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। पर ये कब लग पाएगा? जब मेरे को इस बात की श्योरिटी होगी कि यहां पर 0 नहीं मिलने वाला। अब देखिए वो कैसे श्योरिटी होगी, ये दोनों तो कट ही गए, अब यहां मैं देखता हूं अगर, ठीक है, अगर मैं यहां देखता हूं x क्यूब हो गया, x6 हो गया, ठीक है, अगर मैं और कुछ देख लेता हूं, x देख लेता हूं, ठीक है, x4 देख लेता हूं, चलिए x क्यूब की वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगी, दो दूनी 4 माइनस 4x4, ठीक है, ये इससे गुणा होगा 3x4, ठीक है, ये और x4 तो आएगा नहीं, तो x4 तो वैसे ही बच गया, यानी 0 तो ये संभव नहीं है कि 0 आंसर आ जाए, ठीक है, 0 ये आ नहीं सकता। 7 और रूट 7 वैसे ही संभव नहीं है, क्योंकि अगर 7 आंसर होता तो x6 मेरे को मिलता कहीं ना कहीं, ठीक है, बाकी सब कट जाते, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इंटीजर वैल्यू आएगी और जोड़ जोड़ के मैं 7 बना दूंगा, क्योंकि x की पावर अगर 4 निकाल दो तो वो रूट में आएगी, x की पावर 5 निकाल दो तो रूट में आएगी, x की पावर 3 निकाल दो तो रूट 7 आएगा, फिर मैंने देखा कि रूट 7 भी ऑप्शन में था, कि x की पावर 3 आ सकता है, x की पावर 3 भी नहीं आ सकता, तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, बचा केवल एक ही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगवान ना करे ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा से मिले, पर मुझे मिला इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया, और सबसे बड़ी बात है ये एसएससी के एग्जाम का मिला, एसएससी सीएचएसएल 2020, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट किया है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये देखा है कि ये वैल्यू क्यों आंसर नहीं हो सकती और कौन सी आंसर हो सकती है, उसके आधार पे हमने इसे काटा है, ठीक है। जब x की पावर 6 होता तभी 7 आता, क्योंकि बाकी सब वैल्यू रूट में नंबर देंगी, ठीक है, तो 6 संभव नहीं है। रूट 7 कब आता? जब x की पावर 3 मिलता, तो ये भी यहाँ पर संभव नहीं है, तो ये भी कट गया। फिर हमने देखा क्या ये 0 संभव है, किसी एक की वैल्यू मिल पा रही है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो x की पावर 4 की वैल्यू मिल पा रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब यही हो गया x4 प्लस ये भी है, ठीक है, एक सेकेंड हो जाइए, x4 2 जब 4x4, ठीक है, और क्या हो गया, कुछ भी हो, देखिए x4 की वैल्यू मिले या ना मिले, x4 नहीं भी है तो 1 का क्या करेंगे हम, ठीक है, दिमाग लगा के सोचिए, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, ठीक है, कि भैया ये 1 × 1 आ गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू जब आपके पास 1 हो या -1 हो तब कुछ हो सकता है। अब हमें वैल्यू यहाँ पर कौन सी मिलेंगी, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 या x की पावर 0 जो कि नंबर है 1। तो भैया ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपकी इंटीजर नहीं है, इंटीजर केवल यही वाला है, ये हमने काट दिया, ये मिलती भी है तो रूट में मिलेगी, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, तो केवल 1 ही आंसर है जो इसका संभव हो सकता है, ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अगली बार से भगवान ना करे ये क्वेश्चन मिले, अगर मिलता है तो भैया मैंने आपको करा दिया है कि आप इस तरीके से, ऐसा भी हो सकता है अगली बार 7 की जगह 6 मिल जाए, तो ये कंसेप्ट फिर भी काम करेगा कि भैया ऑप्शन से ही चेक कर लें कौन सी वैल्यू संभव नहीं हो सकती। ठीक है, हमने उसके आधार पे इस क्वेश्चन को किया है। तरकीब समझ आई हो, क्वेश्चन समझ आया तो दिल से लाइक का बटन दबाना। ठीक है, और मिलते हैं एक और खास क्वेश्चन के साथ अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।